नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सब महिलाएं इकट्ठे हो रखी हैं। आज हमारे उत्तराखंड कुमाऊनी का लोक पर्व सातू आठू की पूजा होती है। तो आज सातू की पूजा होती है, पंचमी के दिन हमारे यहाँ बिरुड़े भिगाए जाते हैं, जो सात अनाजों के भिगाए जाते हैं उसकी पूजा होती है सप्तमी और अष्टमी को। तो आज सातू की पूजा हो रही है, कल आठों की पूजा होगी। शिव और गौरा की इसमें पूजा की जाती है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, सब देखिए, और आप लोग भी वहाँ कैसे होता है, कैसे पर्व को मनाया जाता है आप लोग वो बताइएगा। आज हम लोगों ने हाथ में डोर पहना है, इसकी पूजा भी फलार करते हैं, गले का पहना जाता है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है महिलाओं द्वारा। पंडित जी आए हुए हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, मंत्र उच्चारण हो रहा है। दोस्तों मैं पूरा तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप खुद ही देखना पसंद नहीं करोगे, इसलिए मेन चीज़ें दिखाऊँगी। ये हमने शिव पार्वती पूरा परिवार रखा है। कोई लोग झांकियाँ बनाते हैं, कोई मिट्टी की बनाते हैं, कोई घास के भी बनाते हैं, लेकिन हमने यही बनाए हैं। और ये जो पोटलियाँ आप देख रहे हो ये बिरुड़े हैं, सबकी पोटलियाँ हैं अलग अलग। इसमें सब अपने अपने घरों से जो दाल भिगाए रहते हैं, सात अनाज, वो पोटली लेके आते हैं, उनकी पूजा होती है। कल ये खुल के चढ़ेंगे, इसका प्रसाद वितरण होगा। सर्वशक्ति कमलासनाय नमो नमः। फिर पुष्प लेके हाथ जोड़ेगा, गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं सूतविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि, अक्षते आवाहनं समर्पयामि, विनायक नमस्तेस्तु। उमामलसमुद्भव इमामयागतां पूजां ग्राणं सुरसत्तमम्, अक्षते आवाहनं समर्पयामि, आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि, पाद्यार्थे जलम् एक चम्मच जल। तो दोस्तों काफ़ी पूजा यहाँ पे हो चुकी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। अब जो डोर होता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होगी यहाँ पर, उसको प्रतिष्ठित किया जाता है मंत्रों द्वारा, और उसके बाद उसको हम लास्ट में पहनेंगे। वो आप देखते रहिएगा, और क्या कहते हैं, क्या कैसे ये होता है आप लोगों के वो भी आप बताइएगा। पूरा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी ना, इसको वही वाली बात होगी। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, देखिए, और उसके बाद पूरे इसमें गाए जाने वाले गाने हमारे यहाँ जो गाए जाते हैं कुमाऊनी, गाने गाए जाएंगे, डांस भी होगा, पूरी चीज़ आप देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। ओम कैलासम शिखराजेनम सारोणम विनाजेन कर्पूरवासम गयितम विभो पंचांगम दशभुजम सरचंदम महोदरम जायवृंदम मनसांबिका वैश्राभ्याम नमः। ध्यानम समर्पयामि, अक्षते आवाहनम। यहाँ पे गौरा मैया को पूरा सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है, चुनरी, चरेऊ, टीका, सिंदूर, काजल, हर चीज़ वस्त्र यहाँ पर अर्पित की जाती हैं। अब जो डोर हैं वो पूरे प्रतिष्ठित हो चुके हैं, सभी महिलाएं अपने हाथ में उसको बांध लेंगी, और उसके बाद हम भोले शंकर का आरती करेंगे, शिव ओंकारा गाएंगे, पूरे आरती करेंगे, वो आप देखिएगा, बाकी आप पूरा देख लीजिएगा। आज की पूजा संपन्न हुई है, तो पंडित जी द्वारा सभी लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है। इसके बाद सभी महिलाएं जो हमारी कुमाऊनी गाने होते हैं बिरुड़े के, वो गाएंगे और डांस करेंगे, आप देखिएगा। यहाँ पर इस कहानी को गीतों द्वारा, बहुत ही मार्मिक कहानी है, कहा जा रहा है गौरा मैया मायके माँ से कह रही हैं कि मुझे बुलाना, और अचानक जब गौरा एक बार मायके आ जाती है तो माँ कहती हैं कि भादो के महीने में आई हूँ, आप क्या ले जाओगी, क्या तुम्हें देंगे करके सोचती हैं। तो वो बताती हैं उसमें कि आप माँ से ये मांगूंगी, पिताजी से ये मांगूंगी, भाई से ये मांगूंगी, और भाभी से भी ये मांगूंगी, बताती हैं गाने में पूरा। लेकिन सब तो उसको बना के देते हैं, लेकिन भाभी नहीं देती हैं, तो वो नाराज़
जाती हैं और उसके बाद अपने मायके को श्राप देती हैं, वो सब इस गाने में है, आप देखिएगा। फिर भाभी जब देती है खुश हो जाती हैं तो उसके बाद वो आशीर्वाद भी देती हैं मायके को। तो बड़ी मार्मिक कहानी है ये, बहुत अच्छा इसको सुन के लगता है। मैं आधा ही आपको दिखा पाऊँगी जितना भी है, देखिएगा आप। Yeah.
तो आज की पूजा, गाने, डांस सब कुछ हमारा समाप्त हो गया है। सब चाय ले रहे हैं और फलाहार करते हैं। इसमें आज शाम को भी सभी लोग फलाहार करते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये कल्चर, ज़रूर बताइएगा और सभी लोग आगे शेयर कीजिएगा ताकि ये दूर दूर तक सभी लोग जाने हमारे इसको। मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में, कल को नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।